रहा है दूर से, और ये यहाँ पे जो खेतित बने हुए हैं वो हैं, और पीछे लोग आते जा रहे हैं। फिलहाल मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका हूँ, और आगे ही रेस्ट है। रुक हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। एक और दिन एक और सूरत आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के साथ। फासले गाइस, फिलहाल मैं हूँ अभी बरेला में, और मैं जा रहा हूँ बरेला के सबसे प्रसिद्ध और फेमस मंदिर जो है माँ शारदा का मंदिर। ऑलरेडी मैं रास्ते में आ चुका हूँ, और यहाँ से ये 2 किलोमीटर और बचा है, नीचे गाड़ी को पार करना पड़ता है कि नवरात्रि के टाइम पे कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो प्रसाद ले लिया है। बेसिकली फिलहाल मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेरी सिस्टर जो है, बेटा कैश तो 1 रुपये भी नहीं है, मैं तो खुद उधार करके आया हूँ वहाँ पे। 1 रुपये भी नहीं है यार, मतलब कैसे ही नहीं। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या बोला था, हाँ तो फिलहाल मैं, मेरी सिस्टर है जो मामा की लड़की, उसका था एग्ज़ाम यहाँ पे बरेला में। पीछे आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी दिख रही है, उसका नाम मुझे नहीं पता, आई थिंक मंगलायतन या जो भी है, मंगलायतन। नजारा दिख रहा है नीचे से, देख लो अब एक बार। और धूप भी बहुत तेज हो रही है नवरात्रि के टाइम पे, मतलब यहाँ पे भी आना बहुत शुभ माना जाता है। और क्या बोलते हैं कि जो अपने जबलपुर का, इसको बोल सकते हैं आप छोटा मैयर, यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये है छोटा मैयर यहाँ का, और काफी सही बात, अच्छा नजारा यार लिटरली। और मुझे नहीं पता था कि कितना किलोमीटर कितना है, तो नीचे बोला 1 या 2 किलोमीटर। अभी पीछे एक छोटे से बच्चे से पूछा कि कितना किलोमीटर, बोला था 5 किलोमीटर। मैंने बोला लो हो गया पोपट यार, 5 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है या कितना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। और फिलहाल धूप हो रही है, आया तो मैं अकेले ही हूँ क्योंकि उसका तो एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने चली गई, और इसलिए वो चल भी नहीं पाती। तो हाँ, काफ़ी अच्छी जगह है, और चारों तरफ जंगल भी है, और जंगल के बीच से ही रास्ता बनी है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, जो सारे गॉड रहते हैं, जो भगवान रहते हैं, उनको पहाड़ों पे ही क्यों मिलती जगह रहने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी चल चल के, उतना ज़्यादा चला नहीं, बट हाँ मुझे ज़्यादा चलने से पहले दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा जो है नज़ारा आ रहा है, और पीछे देख लो एक बार, सुनसान रास्ता है। हाँ गाइस, मैं तो चला माँ शारदा के मंदिर, और ये बरेला के घर, और पीछे से जबलपुर भी दिख रहा है दूर से, और ये यहाँ पे जो खेतित बने हुए हैं वो हैं, और पीछे लोग आते जा रहे हैं। फिलहाल मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका हूँ, और आगे ही रेस्ट है रुकने के लिए, मतलब जो थक जाते हैं उनको रुकने के लिए, हम तो इतने ही में थक गए। और ये है रास्ता आने का, मतलब ऊपर से चढ़ते जाते ऊपर चढ़ के, मतलब जब अपन जाते ना, जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये ऊंचा है, और तो गाड़ी तो अलाउड नहीं थी यहाँ पे, ये कैसे गाड़ी अलाउड हो गई भाई, नियम हो तो सबके लिए एक से हो ना। ये देखो ये कार यार, पता नहीं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चलो चलते हैं, दौड़ लगा के जाते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी फेल मिलेगा, और फल मिलेगा तो आपको और अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। दिखाता हूँ मैं कैसा ये मंदिर और क्या इसकी खास बात, काफी महत्वता है और काफी अच्छा मंदिर है। हाँ, और पीछे तो धूप है, जस्ट आ ही गए हम अपने मंदिर, तो वो मंदिर में पहुंच के ही मिलता हूँ आप लोगों से। तो फिलहाल हम लोग मंदिर में एंटर कर चुके हैं, जस्ट यहाँ से है एंट्री मंदिर में, ये पूरा मैं आपको एक बार टूर दे देता हूँ उसका। दया
मैंने एंटर किया है। तो अभी करेंगे हम लोग यहाँ पे पूजा और काफी शांति और अच्छा अनुभव यहाँ पे जो है मिलता है कि मंदिर में आके, क्योंकि जैसे मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि मंदिर में जो रहती है एक अलग ही प्रकार की वाइब रहती है। और पीछे जो है छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, और अभी मैं जस्ट जैसे बाहर था तो वहाँ पे कुछ लोग जो है पानी आनी दे रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो और ये मतलब यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब एक बहुत अच्छी अच्छी जो है एक वाइब आती है, एक हवा प्रकार की एक अंदर आ जाती है। तो अब मैं करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा पूजा, जो भी मैं चीज़ें नीचे से लेके आया था, मुझे इतना एग्जैक्टली तो नहीं पता फिर भी क्या क्या रहता है, बट हाँ जितना भी मुझे नॉलेज है, ऐसे आप लोगों को ना पता हो तो मैं एक पंडित हूँ, तो जितना भी मुझे नॉलेज है तो उस नॉलेज का यूज़ करके मैं जैसा भी रहेगा तो पूजा वूजा करेंगे और जो भी चीज़ लाएंगे वहाँ पर चढ़ाएंगे। और पीछे दिख सकते हैं ये काय का मतलब सीताफल का जो है पेड़ लगे, और इसका फल अभी आया कि नहीं मुझे नहीं पता, फिलहाल आ चुके हैं फल, आ चुके हैं पकने में। ऊपर पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, उससे काफी कम दिक्कत नीचे उतरने में हो रही है, बट ये कि ये थोड़ा सा नीचे जाने में एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन रोप या फिसल पट्टी से आते ना सीधे सीधे दौड़ते नीचे नीचे, तो ज्यादा ही नीचे हो जाता है फिर, और उसमें कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाता है, ये नीचे वो ऊपर, ये नीचे वो ऊपर, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ कुल मिला के ये कि मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ नीचे जहाँ पे मेरी थार खड़ी है, मेरा वेट कर रही है, तो फिलहाल बस चलते हैं नीचे काफी तेज। तो पूरी तो फिलहाल आ चुका हूँ नीचे, और नीचे आते साथ मेरी पूरी बैंड बज गई, धूप बहुत तेज हो रही है, और जैसे मैंने बताया था, मतलब बताया नहीं था, आई थिंक नहीं होता होगा, फिलहाल यहाँ पे बने हैं बजरंग बली, एक बार इनकी बोल देते अच्छा है बजरंग बली मेरे प्रभु मेरे भगवान आप ही गाय सब कुछ आप ही से होता है। तो ये बने हैं नीचे, और ये सीधा जाता है ऊपर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, वहाँ पे पहुँच के सीधे पहुँच जाते हैं ऊपर, मतलब कि मैं फिलहाल निकल गया हूँ नीचे और जाऊँगा कंचा को लेने के लिए उसके कॉलेज।